मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करे। ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं ये आपकी नमक से संबंधित है। आपकी रसोई जो होती है ये आपकी कैसी सोच होगी, ठीक है, मतलब उसका निर्माण करती है। क्योंकि कहा जाता है जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन, है ना। नमक और चीनी ये आपके धन के कारक होते हैं। नमक जो होता है ये डायरेक्ट सूर्य से जुड़ा होता है, और चीनी आपकी जो होती है ये आपके शुक्र से संबंधित होती है। अगर जो मैं टिप्स आपको दे रहा हूं इसको ज्यादा नहीं, आप 11 से 21 दिन इसको, इस नियम को आप फॉलो करिए, उसके बाद में बस रिजल्ट देखिए कि कैसे आप पैसों में खेलते हैं। दोस्तों मैंने काफी वीडियो में बताया आप लोगों को कि हमारा घर जो होता है ये हमारा यूनिवर्स होता है, ये हमारा ब्रह्मांड होता है। अगर हमारी घर की एनर्जी किसी भी वास्तु दोष से यदि अफेक्ट होती है, कोई भी अगर वास्तु दोष बनता है तो इसका पूरा असर हमारी लाइफ में देखने को मिलता है। अगर लाइफ में दोस्तों धन नहीं है, पैसा नहीं है तो तकलीफें अपने आप आने लगती है। क्योंकि हमारी बॉडी में जैसे 5 तत्वों की जरूरत है, ठीक है, उसके अलावा 6वां तत्व है पैसा। तो पैसा अगर ब्लॉक हो जाता है तो समझ लीजिए कि समस्त परेशानियां शुरू हो गई। तो आज मैं कुछ आपको टिप्स दे रहा हूं, अगर इनको आप फॉलो करना शुरू करते हैं तो आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी आएगी, साथ में धन संबंधित परेशानी जो मनी का ब्लॉकेज है ये आपका दूर होगा। दोस्तों नमक जो होता है, कर्मास जो होते हैं हमारे, इनको क्लियर करता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है तो आप बस 21 डेज आप थोड़ा सा चुटकी भर नमक अपने नहाने के पानी में मिलाइए और नहाना शुरू करिए। इससे आपकी जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा आपके ऑरा में है वो आपकी क्लियर हो जाएगी। आप देखेंगे कि ज्यादा नहीं 3 से 4 दिन में आपको परिवर्तन लगेगा कि आपको मानसिक रूप से बहुत शांति महसूस हो रही है। अगर आप मानसिक रूप से बहुत ज्यादा अपने आप को ऐसा समझते हैं कि बहुत ज्यादा हीन भावनाओं से, नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं, नेगेटिव विचार थॉट्स आते हैं, तो एक चुटकी नमक डाल करके नहाना शुरू करिए, आप बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। इसके अलावा दोस्तों नमक जो होता है ये माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, शुक्र का कारक माना जाता है। तो नमक को हमेशा याद रखें कि अपना यदि आप किचन में यूज करते हैं तो अपने से ऊंचाई पर रखें। अगर आप नीचे पे नमक को यदि आप यूज कर रहे हैं और आपको उठाने में उसे झुकना पड़ रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि पैसा बहुत आसानी से आपकी जिंदगी में नहीं आएगा। और जब भी नमक को यूज करते हैं तो अपनी ऊंचाई पर रखें, और जैसे नमक आपने नमक रखा हुआ है, ऊंचाई पर रखा हुआ है नमक का जो भी जार है उसको उठाते हैं तो एक बार हृदय से लगाएं, ठीक है, और उसके बाद में उस नमक को खाने में डालें, फिर देखिए आप चमत्कार। क्योंकि नमक जो होता है माता लक्ष्मी को, मतलब माता लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है। आप जानते हैं कि समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी का उद्गम हुआ था, तो ये क्या है, कहीं ना कहीं नमक माता लक्ष्मी से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। तो नमक को दोस्तों साधारण वस्तु ना समझे। नमक को कभी भी आपको ये नहीं करना है कि मतलब कहीं भी जितना यूज करना है उतना आपने ज्यादा ले लिया और फेंक दिया। अगर खाने में आपको नमक की जरूरत ऊपर से पड़ती है, यदि आपके खाने में नमक कम है तो कभी भी ऊपर से आपको सफेद वाला नमक जो होता है जो यूज करते हैं वो आप कभी भी ना लें। काला नमक यूज करें या सेंधा नमक यूज करें। अगर आप ये वाला नमक ऊपर से यूज करते हैं तो आपके शनि कमजोर होते हैं। और घर में यदि आपके बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जाएं हैं तो आपको नमक का पोछा लगाना शुरू कर देना चाहिए। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं। 21 दिन करके देखिए दोस्तों, बहुत ही परिवर्तन नजर आने लगेगा आपको। नमक का पोछा लगाइए आप, और थोड़ी सी हल्दी की जो पाउडर होता है वो डाल करके पोछा लगाएंगे तो धन की बरकत शुरू होती है। नेगेटिव एनर्जी घर में एंटर ही नहीं करती है। और एक नमक और चीनी आपको कैसे लाना चाहिए ये टिप्स भी मैं आपको दे रहा हूं, ये आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे मेरे द्वारा दी जाने वाली हर एक जानकारी आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त हो जाएगी, कोई भी जानकारी आपसे मिस नहीं होगी। और जानकारी यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, अपने भाइयों बहनों में, रिश्तेदारों में, या फिर आपको ऐसा लगता है किसी को जानकारी की नीड है तो उस तक इस जानकारी को जरूर पहुंचाएं। मेरे पास में जानकारी मैं आप लोगों तक शेयर कर रहा हूं। जब मेरी दी हुई जानकारी से आप इस जानकारी को, रेमेडी को करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका लाभ मुझे प्राप्त होगा। द
वैसे आप जितने लोगों को इस जानकारी को शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका बिना कुछ किए आपको लाभ प्राप्त होगा। और जो लोग भी बर्थ चार्ट के हिसाब से यदि मुझसे कुछ रेमेडी प्राप्त करना चाहते हैं, मेरा नंबर, मेरे असिस्टेंट का नंबर आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाके नंबर ले लें और जो भी चार्ज है पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा लें। और आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से आपको कौन सी रेमेडी करना चाहिए तो अपना कॉलिंग नंबर और अपनी पूरी डिटेल्स व्हाट्सअप कर दें, आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है, तो मैं आपसे कॉल में कंसल्ट कर लूंगा। ठीक है, 2 से 4 के बीच में आपसे कॉन्टेक्ट कर लूंगा। और आप में से जो भी रेमेडी चाहते हैं या अपने घर की कुछ समस्याएं बताना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों नमक को आपको क्या करना है, जब भी घर में नमक लाते हैं, ठीक है, पैकेट्स में आते हैं नमक, तो आपको एक पैकेट नमक कभी भी नहीं लाना है, हमेशा 2 की मात्रा में लाएं। 2 पैकेट मतलब कि आप जैसे भी ला रहे हैं आप, तो 2 जगह लेकर के आए, पॉलिथीन में ला रहे हैं तो 2 जगह आपको नमक लाना है। और नमक आपको अकेले नहीं लाना है, साथ में आपको चीनी भी लेकर के आना है। भले आप थोड़ी सी लाएं, 250 ग्राम लाएं, 1 kg लाएं, जितनी भी ला रहे हैं, लेकिन दोनों को साथ में लेकर के आए, नमक को साथ में लेकर के आए, लेकिन नमक 2 की मात्रा में, 2 पैकेट में, और चीनी 1 पैकेट में। अब इसको घर में किस स्थान में कैसे रखना है आपको, आपकी जो चीनी होगी, ठीक है, इसको आपको कहां रखना है, उत्तर दिशा में। आपके घर की जो किचन है ये कहां जाती है, उत्तर, और एक हो जाती है उत्तर और एक हो जाती है पूर्व, और बीच में बनता है ईशान कोण आपका। ठीक है, उत्तर पूर्व के बीच में जो बनता है वो कहलाता है ईशान कोण। तो ईशान कोण जो होती है सबसे ज्यादा पवित्र डायरेक्शन है, सबसे स्ट्रांग डायरेक्शन है आपके घर की, ईश्वर की जो दिशा कही जाती है। तो आपको एक कांच के गिलास में आपको ईशान डायरेक्शन में क्या करना है, समझ लीजिए, सपोज ये आपका 2 दिशाएं हो गई, ठीक है, एक हो गई उत्तर और एक हो गई पूर्व, तो आपको बीच में, दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वहां पर आपको एक कांच गिलास में पानी रखना है, उत्तर दिशा में आपको नमक रखना है और पूर्व दिशा में आपको चीनी रखनी है। ठीक है, ये आप क्रिया करेंगे और जब भी आप यूज करेंगे तो आपको यहीं से उठा करके, चीनी आप यहीं से उठाएंगे और नमक आप यहां से उठा करके खाने में यूज करेंगे। ज्यादा नहीं दोस्तों, 11 से 21 दिन इस प्रयोग को करके देखिए, अगर आपको रिजल्ट मिलने लगेगा तो आप इसको कंटिन्यू खुद से करेंगे, क्योंकि रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। जो भी मनी का ब्लॉकेज था या फिर जो भी धन संबंधित परेशानी आपकी जिंदगी में चल रही थी, आर्थिक समस्याओं को, चैलेंजेस को आप फेस कर रहे थे, सारी समस्याएं आपकी बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगी। और पानी जो आपने रखा हुआ है इसको नित्य प्रति आप चेंज करते रहें, ठीक है, और नमक जो होगा आपका ये आपके सूर्य से संबंधित होता है। और कोशिश करें दोस्तों कि रविवार के दिन में नमक का सेवन बिल्कुल भी ना करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके सूर्य मजबूत हो, सूर्य आपके बलवान हो, तो रविवार के दिन में मीठा खाना शुरू कर दें और पूर्व दिशा में चीनी को रखें और उत्तर दिशा में नमक को रखें, है ना। ये यदि आपने करना शुरू कर दिया तो आप देखेंगे दोस्तों कि पैसा आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं से आता ही रहेगा। अगर ये चैलेंजेस फेस कर रहे थे तो ये आपको छुटकारा मिल जाएगा। नमक दोस्तों बहुत ही पावरफुल चीज है। नमक जो होता है, अगर इसका यूज मेरे बताए तरीके से आपने कर लिया तो आपको परिणाम खुद देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि हमारी किचन जो होती है, हमारी रसोई जो होती है, माँ अन्नपूर्णा का स्थान होती है और माता लक्ष्मी की सबसे प्रिय देवी है माता अन्नपूर्णा। जो अन्नपूर्णा को प्रसन्न रखता है वो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करता है। और वास्तुशास्त्र के अनुसार जो मैंने आपको टिप्स दिए हैं इसको यदि आप फॉलो करते हैं तो अन्नपूर्णा माता प्रसन्न होती है, और जहां अन्नपूर्णा प्रसन्न हो जाती है माता लक्ष्मी वहां स्वयं वास करने लगती है। माता लक्ष्मी का वास जहां पर होता है उस घर में तो सभी कार्यों में सफलताएं मिलती हैं, प्रेम संबंध मजबूत रहते हैं, धन धान्य हमेशा परिपूर्ण रहता है, अन्न धन्य से वो घर हमेशा परिपूर्ण रहता है। तो इन टिप्स को दोस्तों आप जरूर फॉलो करें, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये छोटे छोटे से वास्तुशास्त्र के टिप्स हैं, पहले के लोग फॉलो किया करते थे, उनकी जिंदगी में कभी कोई समस्याएं आती ही नहीं थी। लेकिन हम जैसे जैसे एडवांस होते जा रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, सारे टिप्स हम भूलते जा रहे हैं। तो ऐसी जानकारी दोस्तों और लोगों तक शेयर करें ताकि और लोग भी इससे लाभ प्राप्त कर पाए, अपने जो परेशानियां हैं उनसे छुटकारा पा सके। तो आज के लिए इतने दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।